गाइस आप लोग ही बताइए कि इज इट पॉसिबल टू गो आउटसाइड फॉर अ पिकनिक। मुझे लगा आप लोग देख रहे हो कि सिचुएशन क्या है बाहर, आप देख रहे हो कि कोरोना में कितना सिचुएशन बाहर का खराब है, ना तो आप ट्रैवल कर सकते हो। इवन गवर्नमेंट ने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लॉकडाउन है, हाउ इट इज पॉसिबल टू गो फॉर अ पिकनिक। मुझे जाना ये जाना ये जाना ही है। यू कैन प्ले विद योर डॉल, ये इतनी प्यारी डॉल है आपके पास, आप उसके साथ खेल सकते हो। मैं बोर हो गई खेल खेल के लॉकडाउन में, मुझे तो बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। आप लोग आप ही लोग बताइए कि इज इट पॉसिबल टू गो आउटसाइड ये टाइम पे। आपके पास कोई सजेशन है, आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ ये लॉकडाउन में, ये पिकनिक हम कैसे अरेंज करें? मुझे तो जाना ठीक है, अगर आपको पिकनिक से अच्छा हम लोग बाहर घूम के आपको लेके चलते, थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ। वॉक नहीं, मुझे पिकनिक करना है। पिकनिक में क्या इतनी खासियत है? हम खेल सकते हैं, वहाँ पे सो सकते हैं और बहुत सारे मजे करेंगे फैमिली के साथ। सो यू वांट फैमिली ना, फैमिली और मजा चाहिए ना। नहीं मतलब मुझे पिकनिक करना बाहर। ओके सो गाइस मैं सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं, आप लोग भी सोचिए एंड देन देखते हैं, शायद कुछ क्लिक आउट हो गया तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर बताना। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि बच्चे तो घर पे रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक दिन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा एंड बच्चे बाहर जा पाएंगे। सो आई एम थिंकिंग कि पिकनिक तो मनाना है बच्चों को, तो वो बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते बट घर पे हम कुछ एक्साइटिंग ज़रूर कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए? फैमिली चाहिए, सो वी हैव अ फैमिली। उनको क्या चाहिए? मजा चाहिए, तो हम कुछ फ्रेंड्स के साथ, हम लोग फैमिली इज अ फ्रेंड, सो विल प्लान समथिंग एंड खाने का अरेंजमेंट जो कि हम बाहर करते वो हम घर पे करेंगे एंड अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो आई हैव थॉट कि अब तो एक्चुअली यहाँ पे सैटरडे है तो ज़्यादा कुछ सामान बाहर से मिलेगा नहीं, बट फिर भी हमने स्टॉक अप करके रखा था। वी हैव सो पॉपकॉर्न है, कोको कोला है, आ सकते हैं एंड नूडल्स हो गया, देन ये तीन चीज़ तो पार्टी जैसे फील आ ही जाएगी इसमें एंड वॉट वी कैन हैव मोर पिज़्ज़ा। हाँ, और मैंने दोपहर को निधि के लिए आज पिज़्ज़ा का बेस रेडी करके रखा था, सो आई कैन मेक पिज़्ज़ा ऑल्सो। सो फुल तैयारी, वी कैन डू इट।
सो लेट्स स्टार्ट इट। और निधि को एक सरप्राइज भी हम दे देंगे कि हम भाईसरों से पार्टी कर सकते हैं। सो गाइस, सो डैड यम्मी यम्मी कुक, मुझे कुक बहुत पसंद है। अब हम एंजॉय करने वाले हैं ये पार्टी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और देखिए आप लोग क्या क्या है हमारे बास्केट में। ओ फ्रेंड्स, अभी मैं बात को बता देती हूँ। हमारे पास है 2 कोको कोला जो मैं और मम्मा पीएंगे। ये 2 कोको कोला से जो हम एंजॉय करने वाले हैं, और पिकनिक हो और पॉपकॉर्न ना हो तो फिर मजा ही नहीं। निधि के पास क्या है? और ये जो है वो चीज ओनियन के पेपर्स है जो कि बहुत यम्मी लगता है, पर आधे आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता है। नो, आपको खीर मिलेगी, मम्मा ने खीर बनाई आपके लिए। नो, यू कांट हैव इट। कोको कोला इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, पर ठीक है कभी का एंजॉय कर सकते हो। नॉट ऑलवेज। दीदी वाइट, ये दीदी एंजॉय करिए अपने कोको कोला। दीदी आपको कोको कोला रोज मिलता है? मिलता है? बिल्कुल नहीं पीती। नॉट गुड फॉर द हेल्थ, कभी का। मम्मी ने बोला नहीं तो मैं मान। आदू आपको नहीं मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम खेल कुछ गेम्स खेलने वाले हैं, राइट दीदू? गेम क्या है हम खेलने वाले हैं? चिड़िया उड़ा पिटाई। चिड़िया उड़ा एंड पिटाई, ये कौन सा गेम है? ये खेले तो थे। ओके, चिड़िया उड़, काऊ उड़, मम्मी उड़, बर्ड उड़, बर्ड बर्ड पापा उड़, डक उड़। डक उड़ता है? हाँ, उलान करता है ना उसे। ओके ओके, पॉपकॉर्न उड़, बाल उड़। बाल कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ते हैं। निधि उड़। उड़ दोनों ने कर ना। हाँ, नमक नींबू, नमक नींबू मची, नींबू मची। ओ ठीक है, अभी मैं आधी उड़, निधि उड़। निधि उड़ती भी है। चलो, नमक नमक, मिर्ची, अरे मिर्ची डाल रही हूँ, लींबू लींबू। ओके ओके, और लास्ट गेम, ठीक है? चलो, सो मैं चिड़िया उड़, हाँ तोता उड़, बर्ड उड़, डक उड़, मम्मी उड़। मम्मी उड़ती है नमक नींबू मिर्ची शक्कर। सो थोड़े पॉपकॉर्न भी एंजॉय करते हैं हम लोग। मामा आपको आपको ले लो कोको, मैं तो आप लोग को ले लेती हूँ। मुझे चिपके से आप लोग क्या करते हो, कैसे आप पिकनिक मनाते हो? कोई बात नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर पे भी पिकनिक बना सकते हैं। कैसा लगा पिकनिक का आइडिया? बहुत अच्छा मजा आ गया। अभी हम लोग मूवी देखने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट पिकनिक करते हैं ना मामा। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू सी मूवी, कुछ अच्छी आधी मूवी। Good job, in the scene.
देखते देखते फंस जाएंगे. कोई भी मूवी देख लो आप फैमिली के साथ, इट्स एंजॉयमेंट राइट. ऐसा नहीं आपको फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली भी तो एक फ्रेंड होती है, दुश्मन थोड़ी ना. हाय हाय निधि. हाय. क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं. चिड़िया उड़. मम्मी उड़. आदू उड़. डक उड़. तोता उड़. आदू उड़. ओह शिट. नाउ व्हाट इज माय पनिशमेंट? पनिशमेंट नहीं, गेम है. टाइम हो गया डिनर का और डिनर में है मेरे पास नूडल्स. आप देख सकते हो नूडल्स है. अभी मैं इसको खा के दिखा दूँ बहुत लेकिन फिर भी वो अच्छा ही नूडल्स है तो नूडल्स ही लगेगा ना, और क्या लगेगा. चलो इसको खाते हैं अभी हम. अच्छा क्यों? बहुत अच्छा है. तो आप सो ये ना ये बहुत ही अच्छा पैकेट में आता है, जो से कि वो टेस्ट अच्छा है उसका बहुत ही ज़्यादा, एकदम स्वीट चिली और मसाले जैसा. वैसे भी मम्मा द्वारा है अच्छा ही होगा ना. मतलब मम्मा तो है स्मार्ट, पिकनिक का आइडिया बताया लेकिन उसने सिर्फ उसको एक भी आइडिया नहीं पता था तो इसीलिए. लेकिन अभी तक मम्मा ने मेरे को अपना गिफ्ट नहीं दिया. जरूर कर देना. हाँ मम्मा. मैगी हो गई खत्म? नहीं. नूडल्स? नहीं. ये भी लग रहा है? हाँ मम्मा. बनाया किसने है? मम्मा ने. ओके तो निधि आपके लिए मम्मा ने एक सरप्राइज रखा है. किचन में? किचन में है, जाके देख लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना. सो गाइस आप यहाँ पे रुको, मैं ना बुलाती हूँ. संडे को भी नहीं खाया था पहले, लेकिन मम्मा ने आज मुझे खुद से दिलवाया. So you're happy? हाँ, बहुत ज़्यादा. कभी काल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोज रोज नहीं खाना है. So अगर आपको वीडियो पसंद आया और जरा ये सरप्राइज अच्छा लगा तो इस मेरे लिए एक लाइक कर देना और मेरे इसके लिए और सब्सक्राइब कर देना और मम्मा की यम्मी यम्मी नूडल्स के लिए लाइक कर देना. तो तब तक के लिए बाय. मम्मा मम्मा ये तो बेस्ट मैगी बनाया है पापा ने. और जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाए कि इतना सा पीना है.
क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि उसमें वो बोलते हैं कोक से बना है, लेकिन वो तो शुगर से बनता होता है और वो उसमें बहुत सारा एसिड होता है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पीना होता है। अगर आपको पीना ही है और किंडर जॉय में पूरा पैकेट नहीं है आपको, तो एक गोल खा के थोड़ा सा क्रीम खा के हो गया, बस रख देना। तो ज़्यादा पूरा खाया ना तो आपका वजन बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं आपके हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप खाओ मत खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ ना, ज्यादा ही खाओगे तो आपका वजन बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगा। सो इसीलिए सेफ सेफ एंड हेल्दी। सो आपको मेरा ये आपको ये पिकनिक बहुत ज्यादा पसंद आया, तो अगर आपको पिकनिक पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर बहुत ज्यादा आया ना तो सब कर देना लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और लाइक और वो छोटी वाली गंडी को भी बता देना। सो तब तक के लिए बाय। सो गाइस इट्स टाइम टू लुक।